कि यहाँ पे जिस कोई हर कोई डॉक्टर के पास घूम के आया है, जिसको ऐसा लगता है कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, जो एक उम्मीद खो चुके भाई खो चुका है, उसने एक बार तो जरूरी आप पे आ जाओ थोड़े इधर माता जी। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, कहाँ से आए हो? हम बॉम्बे से आए। बॉम्बे से कितनी बार आ गए बाबा जी के? बाबा के दरबार में अभी थर्ड टाइम, सेकंड टाइम है। अच्छा, तीसरी बार है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम लेके आया? भैया के प्रॉब्लम थी कि भैया का जो पैर था ये राइट वाला पैर चलता नहीं था। तो क्या ये बीमारी जन्म से है क्या? हाँ, जन्म से। अच्छा, बिल्कुल नहीं चलते थे क्या? नहीं, तो काटे का सहारा लेते थे। अच्छा, तो अभी बाबा के दरबार में जैसे आए पहली बार तो तब 20% फर्क पड़ा था। अभी वो लाठी की जरूरत नहीं है इसमें? नहीं, अभी लाठी की जरूरत सिर्फ हाथ रख के चलते है। अच्छा, तो बाबा ने अभी बोला है कि इस बार अगर आपने कैंप में किया 5 दिन का कैंप करो, अगर इस बार नहीं फर्क पड़ता है तो अगले नेक्स्ट टाइम में आएंगे ना 15 तारीख को, 15 जनवरी को, तो आपको 100% फर्क गिर जाएगा। नहीं तो भैया, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको एक ही सीवर में इतना फर्क पड़ गया या दोनों सीवर में अलग अलग थोड़ा थोड़ा फर्क। अच्छा, अभी जैसे आप आए हो तो वापस और थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है? तो पहले आप बिल्कुल भी ऐसे लकड़ी के सारे चलते ऐसे नहीं चलते थे? लकड़ी के सारे चलते। अभी चल सकते हो आराम से? अभी ऐसा। अच्छा, तो पहले जैसे लकड़ी लगते तो क्या दर्द हो जाता होता था? होता था क्या दर्द? होता था दर्द, मतलब पैर नीचे रख ही नहीं पाता था। अच्छा, जैसे घसीटते थे ऐसे ऊपर ही रहता था? अच्छा, ऊपर ही रहता था। हाँ। और अभी आराम से टेक रहे हो? अच्छा, तो आप तीसरी बार आ गए हो? हाँ, तीसरी और धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है। अच्छा, तो यहाँ कोई रसीद वगैरह काटी जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, सब फ्री में। सब फ्री में, सब हर समय फ्री होता है क्या? सब सिर्फ एक टाइम का खाना फ्री है ना? तो ये ऐसे ही तो बोल रहे। देखो, काफी लोग होते हैं, हम जब पूछते हैं तो वो बोल देते हैं कि हर चीज फ्री है। तो काफी लोग इतने है कि जो वो यहाँ तक आ जाते हैं कैसे भी तैसे करके कि यहाँ सब चीज फ्री मिलती है यहाँ आके। नहीं, एक टाइम खाना फ्री मिलता है, सुबह का खाना हमें भंडारे में ही मिलता है, पैसा दे के लेना पड़ता है, 40 रुपए देने का। और वो भंडारा एक तरह कैंटीन अलग से लगी हुई है? जी 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 जी, एक कैंटीन रहती है वहाँ पे, पैसे दे के 40 रुपए देंगे। और अगर रहने की बात करें तो दीदी, यहाँ रहने की फ्री में है सब कुछ? अच्छा, तो टेंट वगैरह लगाया है वहाँ पे, अपना बिछाना डालने का, वहीं पे रहने का, वैसा कुछ किराया बिराया नहीं दिया। अच्छा, और अगर जैसे कोई जैसे ऊनी वस्त्र, भी सर्दी काफी तेज है राजस्थान में, अगर कोई ऊनी वस्त्र लेके नहीं आए तो फिर ये मिलता है बाबा जी की हाथ से, रेंट पे मिलता है 20 रुपए। अच्छा, 20 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से? इसमें क्या क्या दिया जाता है? कंबल दिया जाता है और चादर दिया, यानी बोले गद्दी दिया जाती है। अच्छा, तो आप भैया के साथ 3-4 लोग आए हो? हाँ, नहीं, हम 5 जन आए। एक भैया के साथ? अंकल को भी। अच्छा, अंकल को चलना नहीं आता है? अच्छा, वो पहले आए थे अंकल या ये भैया को देख के? पहली बार आए। अच्छा, इस भैया जो भैया ठीक हो रहे हैं उसी आस्था लेकर की हम भी ठीक होंगे इसी लेके, इसी तरह लेके आए हो। अच्छा, तो भैया आप क्या कहना चाहते हो बाबा के बारे में? कि यहाँ पे जिस कोई हर कोई डॉक्टर के पास घूम के आया है, जिसको ऐसा लगता है कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, जो एक उम्मीद खो चुके भाई खो चुका है, उसने एक बार तो जरूरी शिविर में आना चाहिए बाबा। अच्छा, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं बाबा? बाबा ऐसे तो ढेर सारे ऑल इन वन है, जैसे कि पथरी हो, या फिर शुगर की हो, या फिर लकवा हो, पोलियो हो, गुंगे बहरे हो, अंधे हो, उन सब का इलाज बाबा करते। अच्छा, बिल्कुल निःशुल्क बाबा करते? निःशुल्क करते। भैया आप कहाँ से आए? झालावाड़। झालावाड़ से? तो आप क्या प्रॉब्लम लेके आए? बच्चे को लेके आए। तो कितने दिन हो गए? आज ही आए, फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम ही आए हो, तो यही वीडियो वगैरह देख के? हाँ। तो आपने घूम लिए बाबा जी के इधर? हाँ, लोगों से कुछ जानकारी ली कि कुछ फर्क पड़ रहा है? तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, कोई बता रहे हैं कि फर्क पड़ रहा है, कोई बोल रहे हैं कि नहीं पड़ा हमारे तो फर्क। अच्छा, चलो उम्मीद करते हैं आपका बच्चा भी ठीक हो। धन्यवाद दीदी।